फ्रेंड्स ममू लाइफ स्टाइल से मुन एक बार फिर आपके साथ जुड़ गई हूँ। अभी बज रहे सुबह के 6:30। मैं जल्दी उठकर अभी जा रही हूँ, सारे काम अपने घर के करके मुझे स्कूल जाना है। आज बेटे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिजल्ट है, तो 10:30 बजे तक वहाँ स्कूल पहुँच जाना है। लग रहा पूरे दिन काफ़ी बिजी शेड्यूल गुजरेगी क्योंकि स्कूल में काफ़ी टाइम लग जाती है। चलते हैं, सारे झटपट काम कर लेती हूँ। चलिए आप भी मेरे साथ जुड़िए। सुबह तो बारिश हो रही है और वेदर काफ़ी अच्छी ठंडी हो गई है। झटपट मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, बिस्तर अरेंज कर लेती हूँ। बेटा भी उठ गया है, उसके भी बिस्तर में अरेंज कर लेती हूँ। बिस्तर अरेंज करने के बाद मैं झटपट डस्टिंग में लग जाऊँगी क्योंकि अभी मुझे जल्दी सारे काम निपटा करके स्कूल के लिए भी तैयार होकर जाना है। पूजा करनी है घर में, डस्टिंग कर लेती हूँ सारी। रोज़ डस्टिंग करनी ही पड़ती है, अगर मैं एक दिन भी डस्टिंग नहीं करूँगी ना तो लगता है कि घर पूरी गंदी धूल, एक मोटी धूल की लेयर जम जाती है। अपने मछलियों को भी मैं दाना डाल देती हूँ, पूरा किचन में काम में लग जाती हूँ। झटपट मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को अभी शॉप जाना है, तो मैं पहले उन्हें खिला देती हूँ, बेटे को भी खिला करके मैं इत्मीनान हो जाऊँगी। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहा कर पूजा कर लूँगी। तो सोची चलो मैं आटा सान लेती हूँ, पूरी बना देती हूँ। पूरी बना करके मैं हस्बैंड को दे दूँगी। पूरी बन गई है और मैं आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू की सब्ज़ी और पूरी मैं उन्हें दे ब्रेकफास्ट दे दी, बेटे को भी ब्रेकफास्ट दे दी हूँ। और अभी मैं अब इत्मीनान से थोड़ी देर चाय पी करके फिर नहा धोकर पूजा करके फिर स्कूल के लिए निकलूँगी। पूजा अभी हो गई है, नहा कर पूजा कंप्लीट करके अभी मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ। लग रहा है मैं तो सोची थी कि 10 बजे तक निकल जाऊँगी पर 10:30 हो गई है अभी। मैं मुझे ये सारे देखना पड़ता है, हस्बैंड के पास तो समय नहीं रहता, वो बिजनेस मैन है तो उनको समय नहीं दे पाते। स्कूल का माहौल काफ़ी शांत है, बिल्कुल रिजल्ट है, पेरेंट्स भी नर्वस, बच्चे भी नर्वस, मैं भी काफ़ी नर्वस हूँ। देखते हैं, एक्चुअली हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम लोग जानते हैं कि रिज़ल्ट के दिन बच्चों के मन में कैसी फीलिंग्स आती है, वो काफ़ी नर्वस फील करते हैं और हम पेरेंट्स भी काफ़ी नर्वस हैं। अभी तो बच्चों के मन में काफ़ी कंपटीशन है कि मेरे फ्रेंड्स हमसे आगे ना निकल जाए। स्कूल का माहौल ऐसे भी है, सेंट जेवियर्स स्कूल काफ़ी डिसिप्लिन वाले स्कूल है, SSC बोर्ड के बहुत अच्छे स्कूलों में से एक है सेंट जेवियर्स स्कूल। स्कूल की माहौल बिल्कुल शांत है, रिज़ल्ट है तो सबके पेरेंट्स काफ़ी नर्वस है, बच्चे भी नर्वस है। मैं रिज़ल्ट ले चुकी हूँ, वहाँ तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई टीचर्स के सामने, तो मैं खुश हूँ। मेरी स्माइल ही देखकर आप समझ रहे हैं कि बेटी की रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी हुई है। तो मैं दिखाती हूँ, सेंट जेवियर्स स्कूल काफ़ी डिसिप्लिन वाले स्कूलों में से एक है रांची में, ये काफ़ी फेमस स्कूल है। यहाँ देखिए पेरेंट्स भी काफ़ी डिसिप्लिन से स्कूल आ रहे हैं, बच्चे तो हैं ही, टीचर्स तो हैं ही। स्कूल का माहौल बिल्कुल डिसिप्लिन, सभी एक एक का रिज़ल्ट ले रहे हैं और सभी घर जा रहे हैं, वहाँ किसी को रुकना नहीं है। तो मैं तो ब्लॉगिंग सोची थी पर वैसे नहीं कर पाई, इतने डिसिप्लिन हम लोग रिज़ल्ट भी ले लिए हैं और स्माइल देख के आप समझ रहे हैं कि बेटे का रिज़ल्ट अच्छा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, अभी घर जा रहे हैं, तब तक के लिए बाय।